हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी क्वेश्चन पेपर को और ओ लेवल में जो आता है फर्स्ट पेपर उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स के। तो आज का सेशन में क्या होगा, पहले 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है OSI का पूरा नाम क्या होता है। तो OSI का पूरा नाम जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, और कंप्यूटर की जो नवीनतम पीढ़ी में निर्देश चलते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं, सिक्वेंशियल काम करते हैं, पैरेलल काम करते हैं। ठीक है, तो क्या लगना है, जो नवीनतम पीढ़ी चल रही है वो चल रही है पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी केवल डेटा को सुरक्षित रख सकती है किंतु वह नहीं कर सकती, तो तीन नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी, ये फैचिंग का काम नहीं करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो पेन ड्राइव की बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे, डीवीडी की बात करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैचिंग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो लिया प्रेजेंटेशन के डिजाइन पर निर्भर करता है, वैसे बदला नहीं जा सकता। यह प्रेजेंटेशन के डिजाइन पर निर्भर करता है लेकिन इस पर पावर पॉइंट द्वारा बदला जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उपलब्ध टेक्स्ट पर निर्भर करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चार का वो होगा डी, यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से हम क्या करेंगे, इनमें से सब काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिखा है प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट बना देता है, प्रोग्राम को उसके सब रूटीन के रेफरेंस के साथ लिंक करता है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बनाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी होता है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होता है, सबको मेंटेन करके चलाता है। ठीक है, आसान कर देता है चलाना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है। देखो क्या लगना, जब कंप्यूटर में जो डेटा होता है, ठीक है, कोई मान लो ये डेटा हमारे पास है, तो जो कंप्यूटर में रहेगा तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब उसको हम प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं, वो जो पेपर पे आ जाता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखना है इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैकअप क्या है। तो बैकअप आपने नोटिस किया होगा, आपके फोन में भी एंड्रॉइड फोन में होता है कि बैकअप कर लो, मतलब क्या कि जो अगर आपके पास डेटा है, अगर इन द केस अगर फॉर्मेट हो गया तो उसका कुछ बैकअप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जानकारी के बैकअप को रिस्टोर करना, सिस्टम इन्फॉर्मेशन की कॉपी करना, तो सिस्टम फेल्योर की दशा में सिस्टम को दोबारा या चालू करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिस्टम को हम लोग सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम कॉपी करते हैं ना, इसका आंसर जो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेटस्केप मैसेंजर को प्रारंभ करने के लिए क्या करेंगे। तो नेटस्केप मैसेंजर के लिए क्या करते हो आप, स्टार्ट पर क्लिक करके हाईलाइट प्रोग्राम नेटस्केप कम्युनिकेटर चुनेंगे, नेटस्केप मैसेंजर चुनेंगे, मेल आइकन पर क्लिक नेटस्केप मैसेंजर यूज करेंगे, नेटस्केप मैसेंजर पर क्लिक करेंगे, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है, देखो जो नेटस्केप मैसेंजर जब यूज करोगे एक सॉफ्टवेयर टाइप है। ठीक है ना, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे ना, सिंपल सा जो मैसेंजर सॉफ्टवेयर होता है, आप जैसे आपके फोन में मैसेंजर होता है तो मैसेंजर सॉफ्टवेयर को ओपन करके यूज करते हो ना, फेसबुक वाला। ठीक है, वैसे इसको भी समझ सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक द्वारा एक्सेल में पेज कहां से ब्रेक होगा। जो 9 का जो आंसर हो जाएगा उसको समझो, सेलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से, सेलेक्ट किए हुए रो के नीचे से, सेलेक्ट किए हुए रो के बीच से। तो ख्याल रखना जो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। कभी आप सेल पे क्लिक करना, ठीक है, जो एक्सेल का सीट होता है उस पर सेल पे क्लिक करना, और ब्रेक पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, जो ऊपर का रो होता है ना वो चार पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। मान लो यहाँ पे क्लिक किया आपने, ठीक है, जैसे काम करो ऑटोमेटिक चार पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसको अलग पार्ट में कर देगा, इस हिस्से को, इसको इस पार्ट में, अलग अलग चार पार्ट कर देता है इसका। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा रो के ऊपर का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है कि सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी क्या है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, देखो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है, मैंने बताया अभी, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है,
मैग्नेटिक टेप भी इसी के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है, रैम, रोम, रजिस्टर, कैचेस मेमोरी आता है। ठीक है, तो ख्याल रखना ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है बहुत ही फास्ट। ठीक है, क्योंकि सबसे अगर फास्ट मेमोरी की बात करें तो सबसे फास्ट मेमोरी और सबसे स्मॉल साइज की मेमोरी कहलाती है रजिस्टर। ठीक है, उससे अगर हम अगर डिसेंडिंग असेंडिंग मोड की बात करेंगे तो ख्याल रखना सबसे कम रैम, दूसरा नंबर पे रोम, तीसरा नंबर पे कैश, और सबसे जो स्पीडेस्ट मेमोरी होती है जो सबसे छोटी मेमोरी होती है और उसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो 11 का आंसर है, देखो लिखा कि एक बड़े भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया में डेटा के संचार के लिए प्रयोग होने वाला नेटवर्क है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा देखो, और एक सीमित भूभाग में डेटा के संचार के लिए, और लिखा इस नेटवर्क में तीन प्रयोगकर्ता काफी दूर से जुड़े होते हैं। देखो इसका जो आंसर होता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, और ये क्या होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल एरिया मतलब भूभाग, एक बड़े भूभाग में इसका संचार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर सीमित की बात करें, लिमिटेड की, तो हम बात करेंगे किस चीज की, आपको पता होगा हम बात करेंगे लैन की, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर क्या है। देखो वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो आप समझ लेना कि एमएस वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एमएस वर्ड को बोला जाता है, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। और एक और चीज, एमएस वर्ड का जो फाइल होता है, ठीक है, उसका जो फाइल होता है, फाइल को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट, ख्याल रखना, ठीक है, डी से होता है डॉक्यूमेंट। और एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, लास्ट में एक्स भी लगा होता है, ख्याल रखना इस बात का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक प्रोग्राम जो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने, देखने, एडिट करने, उसमें बदलाव चेंजेस करने की भी सुविधा प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क का वो कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है वह उसे नियोक्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का C, रीड ओनली, मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार जो बना दिया गया है केवल इसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है ना कि एक बार रिकॉर्ड जो बन जाए उसको बदला नहीं जा सका, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, रीड ओनली। क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा, टिक करिएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, ये वरना प्रॉब्लम हो जाता है और हम आंसर लगा करके रॉन्ग चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की जरूरतों के समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका क्या लगना, 14 का आंसर जो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है यूजर की जरूरत, जैसे कि मान लो अगर मुझे जरूरत पड़ा फोटोशॉप का, तो मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया, कोरल ड्रा डिजाइन करना है तो कोरल ड्रा इंस्टॉल कर लिया, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है एमएस ऑफिस मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर निर्देश क्या, मतलब ये हम लोग के जो जरूरतों के हिसाब से काम करता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा की बड़ी रेंज को एक टूल से सेलेक्ट करके जोड़ा जा सकता है, उस टूल को हम क्या कहते हैं, तो ख्याल रखना मान लो ये देखो यहां पर, सॉरी मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करना है। देखो एक्सेल है आपके पास, ठीक है, ये एक्सेल है और ये आपके पास डेटा है, यहां पर डेटा है, यहां पर इसमें कुछ लिख दो 2, लिख गया 5। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है तो क्या करना होगा, हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑटो सम का। ठीक है, सम मतलब होता है जोड़ना है एक्सेल में। ओके, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे ना और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक में कैलकुलेट होकर आ जाएगा नंबर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसका स्क्रीन शॉट लेकर के रख लिया करो, वो आपको हेल्प करेगा। डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम के मुकाबले किस तरह से नुकसानदायक है, इसका जो 16 का आंसर हो जाएगा बीट ज्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, जो डायनामिक रैम होता है स्टैटिक रैम के मुकाबले ज्यादा, तो वो स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक वो पार्ट होता है जो चेंजेबल ना हो, और डायनामिक क्या होता है, डायनामिक पार्ट वो कहलाता है जो चेंजेबल होता है। ठीक है, तो डायनामिक क्या होता है, बीट ज्यादा प्रयोग करेगा, सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सर्च इंजन और डायरेक्टरी के बारे में सही है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा डी। क्यों? देखो, सर्च इंजन गलत और सही साइट के मध्य मतभेद नहीं करते, क्योंकि वो हम कुछ भी सर्च करते हैं ना तो ऑटोमेटिक सब पूरा पूरा रिजल्ट देता है। एक सर्च इंजन सभी वेब पेज को दर्शाता है जो कीवर्ड तथा अन्य हजारों परिणामों को रखते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। डायरेक्टरी दिए गए विषयों के लिए अच्छी साइटों को वर्गीकृत करके उपलब्ध कराती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अभी जब यूपी हिंदुस्तान पेपर ने सर्वर की सर्वे किया था तो यूपी बोर्ड का 5 साइट ऐसा था जो फर्जी साइट था। ठीक है ना, वो यूपी बोर्ड के नाम से बना हुआ था, इनको बंद करने का आदेश जारी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो एक्सेल में जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है? इसका इसमें हो जाएगा सी, इसको होते हैं पोर्ट्रेट। देखो, जब भी हम कभी पेज को प्रिंट करने जाते हैं ना, एमएस वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। ऐसा समझ लो, एक बार पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, आपने देखा होगा A4 साइज का जो पेपर होता है जिसपे आप जीरोक्स कराते हो, इस तरह से प्रिंट कराते हो, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर पेज को अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, टेबल वगैरह ज्यादा हो, और इस वजह इस टाइप से प्रिंट कराओ, ये कहलाता है लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट, ये है लैंडस्केप। ठीक है, ख्याल रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस फंक्शन द्वारा 8 वैल्यू प्राप्त होगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम 8 वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? तो क्या लगना, इसमें से मैं दिखाता हूँ। एक होता है राउंड अप। देखो, राउंड अप अर्थ ये होता है कि कहते ना कि मान लो किसी का पैसा हो गया 10,005 रुपए हो गया। ठीक है, तो बोलते अच्छा पूरा राउंड फिगर दे दो, 10,000 दे दो, 5 रुपये छोड़ दो। तो क्या होता है, एक्सेल में कुछ फार्मूले होते हैं। देखो, इसमें जो ऑप्शन है ये राउंड डाउन से भी होता है और राउंड फार्मूले से भी यूज होता है। इससे क्या होगा, राउंड से ये वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है ना, ख्याल रखना इस बात का। इन दोनों वैल्यू से क्या होगा, ये राउंड फिगर मिलेगा 8। अगर लिखा है 8 रुपए, ठीक है, इनमें सब ऑप्शन दिया ना, इसे डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। अब एक्सेल का फार्मूला अगर पढ़ना है तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो WWW के माध्यम से क्या करता है, इंटरनेट के रिसोर्सेज को उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो किस टाइप से इस्तेमाल करेगा? वो हमेशा यूज करेगा एक वेब ब्राउजर का। ठीक है, आप भी ख्याल रखते हो, यूसी ब्राउजर यूज करते हो, सर्च इंजन सॉरी विद यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज करते हो ना। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेप ड्राइव द्वारा डेटा को प्रयोग किया जाता है, तो टेप ड्राइव जो होता है क्या होता है उसको समझो। बी, इसका जो सिक्वेंशियल एरिया होता है, मतलब एक सीरीज से काम करना है इसका। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आप पहली व दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट करके नई स्लाइड बटन का पर क्लिक करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा? स्लाइड की बात हो रही है तो आप जानते हो कि हम बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, क्योंकि पावर पॉइंट का जो पेज होता है, पेज को बोलते हैं हम लोग स्लाइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरी स्लाइड जुड़ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंडोज एक्सप्लोरर के पेन में मूव करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा F2। ठीक है, F2 का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड के प्रारंभ से अंत तक कितने स्टेप आते हैं? ऑटो कंटेंट विजार्ड जो हम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 5 आते हैं। ठीक है ना, विजार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं, तो 25 का जो आंसर है वो है सी, रोम में होता है। ठीक है, रोम में इसका पूरा जो निर्देश होते हैं वो स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरी का प्रयोग किया जाता है? तो 26 का जो आंसर है वह है सी, ट्री लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम।
एक्सेल में यदि पे सेटअप बॉक्स में सीट वेव प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। कि जब देखो जब आप पेज लेआउट में जाते हो ना तो वहाँ शो एंड हाइड मिलता है, ठीक है, जो चेक बॉक्स बना होता है, इसे कुछ चेक बॉक्स बोलते हैं, इसको जब क्लिक करोगे ना आप अगर सीट पर आप ग्रिड लाइन मंगाना चाहते हो, ग्रिड लाइन की बात हो रही है तो ये होता है, कॉलम और रो की बात हो रही है ना, कि अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो और चेक बॉक्स हटा दो तो यहाँ प्रिंट नहीं होगा जब आप प्रिंट करोगे तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या है? तो 28 का जो आंसर है वह है डी। कैसे? देखो, अपने डेटा के लिए एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट रूप बनाए रखना, स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट में बॉर्डर शेडिंग फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनना। ये फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ही फॉर्मेट, ठीक है ना, आपको बताया मैंने पिछले सेशन में बताया है इस सब के बारे में, ठीक है, आप जाके वो सेशन देख सकते हैं क्वेश्चन सीरीज में। आसानी से एक वर्क बुक में एक संगत प्रारूप कंसिस्टेंट फॉर्मेट लागू करना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंट्रोल आई कुंजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे शॉर्टकट की है आपने यूज किया होगा, ठीक है, आपने कंट्रोल आई का इस्तेमाल किया है। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक करना, फॉन्ट को थोड़ा स्टाइल देना, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है फॉन्ट का आकार बढ़ाना नहीं, ब्रेक डालना नहीं, टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं। लिखा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए, जी हाँ, इस्तेमाल हुई, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ सीधा सीधा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे दिखता है इस फॉर्मेट में हल्का सा, ठीक है, ये आईओ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कुछ की बोर्ड में जी और एच कुंजियों के बीच में एक जो छोटी जॉयस्टिक्स होती है, इस प्रकार के डिवाइस कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? देखो, कंट्रोल सी से क्या करोगे? कॉपी। कंट्रोल एरो से क्या करोगे? इससे कुछ सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, कंट्रोल ऐसे सेव होता है। अगर हमें सेलेक्ट करना है ना तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं शिफ्ट बटन और एरो का इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ट के आकार को बदलने के लिए बिना इसके अनुपात में बदलाव किए कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए प्रेस करना होगा, कौन सा की प्रेस करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल बटन प्रेस करो और किसी भी चार्ट को आप ड्रैग कर सकते हो। विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं हम लोग किससे? विंडोज प्लस ई से। आपको पता होगा क्योंकि जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो ना, जैसे आपको ड्राइव ओपन करना है तो आप इसे होता है ना सी ड्राइव डी ड्राइव, तो आप विंडो के साथ ई प्रेस करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट या कंप्यूटर से डेटा हटाता है, एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट या कंप्यूटर से डेटा को रिलीव करता है, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा बी, टर्मिनल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ड में आप सामान्यतः बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर का यूज क्यों करते हैं? हम लोग पैराग्राफ में लगाते हैं, ठीक है, आप पैराग्राफ चारों तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी सही है। जब आप पैराग्राफ को एक अलग प्रकार के बॉक्स में रखना चाहते हैं तो देखो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है सभी इसमें से यूज करते हो, ठीक है। बॉर्डर का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में होम मेनू में हमें बॉर्डर मिलता है, हम इसको डेटा को सेलेक्ट करके टेक्स्ट को बॉर्डर एक्टिवेट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा और फॉर्मूला को कॉपी किया जा सकता है किस माध्यम से? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वह डी। कैसे? देखो, एडिट मेनू में कट कॉपी पेस्ट होता है, वहां से कॉपी करके, शॉर्टकट मेनू में कमांड करके और स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध बटन द्वारा। एक और चीज जानो यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सेल में कोई डेटा है, आप चाहते हो कि एक फॉर्म बना दो एमएस वर्ड पे, एक्सेल में चेंज करो और वो ऑटोमेटिक दोनों को लिंक कर दो, ठीक है ना। एक ऑप्शन होता है एक्सेल के डाटा को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करने के बाद आप एमएस एक्सेल को ओपन करो और एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे मिलेगा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के अंदर क्लिक करो, वहां लिखोगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है, सॉरी पेस्ट लिंक लिखा होगा, तो पेस्ट लिंक पे क्लिक करना और क्या करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ना पेस्ट लिंक पे, तो दोनों फाइलों के बीच में चेंजेस
एक साथ लिंक हो जाएगा। अब एक्सेल पे कुछ डेटा चेंज करो, ऑटोमेटिक एमएस वर्ड में डेटा चेंज होगा। तो इस तरीके से हम दोनों फाइलों को अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेटा को लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी स्लाइड पर इसका आंसर ये हो जाएगा ना, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्लाइड पर एक साथ उसी क्रम में जिस क्रम में वे प्रेजेंटेशन में आती हैं पर कार्य करने के लिए आप व्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका 37 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, हम स्लाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल में बीसीसी क्या होता है? देखो ईमेल जब हम सेंड करते हैं ना, तो इसमें कुछ चीजें आप जान लेना अच्छे से। एक होता है टू, टू का मतलब क्या होता है, जिसको हमें मेल भेजना है उनका होता है। और फ्रॉम में तो आपको पता है कि जिसका मेल खुला होगा ऑलरेडी, जिससे मेल आप भेजते हो वो फ्रॉम में होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक होता है बीसीसी, ठीक है, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। एक होता है सीसी, कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका 38 का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो बेस्ट क्लाइंट हो नहीं सकता, बेटर कम्युनिकेशन है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? देखो तो 39 का जो आंसर है वो है शिफ्ट, शिफ्ट की से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो ना, सेलेक्ट करने की बात करेंगे तो आप शिफ्ट का यूज करोगे और प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करके, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइल के नाम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या लगना, 40 का आंसर है वो है डी, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन डॉट पहले आता है उसके बाद फाइल का नाम आता है, ठीक है, फाइल का नाम आता है ना, जैसे लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट docx, या लिखते कोई फाइल का नाम होता है हमने नोटिस किया होगा, और उसको वहां लिखा होता है डॉट jpg, ठीक है, तो फाइल का नाम होगा फिर उसके बाद डॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, लिखा कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है? तो इनमें जो ऑप्शन होता है, देखो इमेज जोड़ सकते हैं, MID का फॉर्मूला ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, और वीडियो का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो हम यूज करते हैं OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और OMB तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ख्याल रखना इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ए। अब क्वेश्चन, जब आप बिना किसी स्टाइल के स्लाइड में जाते हैं तब टेक्स्ट क्या होता है? तो 43 का जो आंसर है वो है बी, बी कैसे, अपने आप टाइटल प्लेस होल्डर में चला जाता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम क्या है? तो 44 जो आंसर है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, एक टाइप का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप फॉन्ट कहां से इंस्टॉल करेंगे, क्वेश्चन है 45 का, कि आप फॉन्ट कहां से इंस्टॉल करेंगे, कंट्रोल पैनल जाओगे, ठीक है, वहां से आप फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो, फॉन्ट को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब एक रेंज को सेलेक्ट करके रखते हैं तो हम पिछले सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? तो 46 का जो आंसर होगा डी, डी क्या, उपयोग में से कोई नहीं, क्या लगना, सेल में अगर सेलेक्ट करना तो हम कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक बार एक माउस को ड्रैग किया तो कंटिन्यू पूरा सेलेक्ट करेंगे, हम बारी बारी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेल में January 1, 2010 की एंट्री पर एक्सेल सामान्य तरह किस तरह विचार करेगी? तो 47 का जो आंसर है वो बी, क्योंकि वैल्यू दिखाएगी, इसमें से आंसर नहीं लेगी, ठीक है, ये रॉन्ग फॉर्मूला में आएगा। ओके, एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन आउटलाइन में दिखाई देगा, तो इसका जो आंसर है 48 का आंसर बी, प्लेस होल्डर, अब पहले बता दिया प्लेस होल्डर क्या मतलब है, मैंने पहले डिस्कस किया है, देखो एक बार फिर समझ लो, जब आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे तो वहां पर लिखता है ना राइट योर टेक्स्ट हेयर, और जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो तो वहां से हट जाता है, तो देखो प्लेस को होल्ड करके रखता है, ठीक, बस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, यूजर की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा कि कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है, रॉ डेटा या डेटा, अधिक उपयोगी डेटा या इंटेलिजिबल फॉर्म, या अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद करना, ठीक है ना,
देखते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। इससे से आपको भी मालूम चलेगा कि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो आप चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रू फॉल्स होगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।